नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज, खबर शाहजहांपुर से। रेलवे के निजीकरण, न्यू पेंशन स्कीम, कॉलोनी की दुर्दशा, 14/2 में कर्मचारियों को नौकरी से निकालना सहित तमाम अन्य मुद्दों पर नरमू शाहजहांपुर ने केंद्रीय आह्वान पर ध्यान आकर्षण दिवस मनाया। रेलवे स्टेशन पर लंच टाइम में कर्मचारियों के बीच तमाम मुद्दों पर चर्चा कर जागरूक करने का काम किया गया। इस अवसर पर शाखा सचिव नरेंद्र त्यागी ने कहा कि साथियों, संघर्ष निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसके लिए आपका संगठन NRMU हमेशा तत्पर है, बस आपका साथ चाहिए। NRMU AIRF कर्मचारियों की समस्याओं से जुड़े हर मुद्दे पर लगातार संघर्ष कर रहा है। आज सभी कर्मचारियों को एक झंडे के साथ एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ संघर्ष करना है। कोई भी संघर्ष कभी खाली नहीं जाता। हाँ, परिणाम कुछ देरी से आ सकता है। केंद्र सरकार का बजट सत्र प्रारंभ हो रहा है, ऐसे में हमको सरकार को यह एहसास कराना है कि हम भी आपके कर्मचारी हैं, हमारा भी कुछ दर्द है। इसी को ध्यान में रखकर महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी के आह्वान पर ध्यानाकर्षण दिवस मनाया जा रहा है। शाखा अध्यक्ष रामोतार शर्मा ने कर्मचारियों से अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। इस अवसर पर सुनील तिवारी, सलीम शहजाद, तेजपाल, जितेंद्र, रामनिवास कैथवार, यतेंद्र त्रिवेदी, मोहित मिश्रा, रामहरि मिश्रा, राकेश मिश्रा, सुनील कुमार, कौशल राजीव आदि उपस्थित रहे। शाहजहांपुर से योगेश वाजपेयी की रिपोर्ट।